अस्सलाम वालेकुम। ये है भाई इमाम रज़ा का जो मज़ार है मशहद के अंदर, जो मशहूर है बहुत, जहाँ सब टूरिस्ट आते हैं। तो ये वो जगह है और यहाँ आप देख सकते हैं कितना रश है टूरिस्टों का। तो अभी अंदर भी जाते हैं इंशाल्लाह और अंदर से भी आपको दिखाते हैं। ये इनका चेकिंग रूम है, यहाँ पे जो है जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ से चेकिंग करते हैं और यहाँ से आप कोई भी सामान अंदर नहीं ला सकते। तो आप जब यहाँ आ रहे हों अंदर तो सामान जो है सारा कुछ बाहर छोड़ के आना है आपने। सिर्फ मोबाइल ला सकते हैं, कैमरा तक यहाँ पे अलाउ नहीं है आपको। ये पूरा उसमें जो है इनके चेकिंग रूम बने हुए हैं सारे, यहाँ पर जब आप एंटर होंगे तो यहाँ से आपको चेकिंग के साथ आना है। तो अब हम जो है ये अंदर जा रहे हैं श्राइन के और आपको दिखाते हैं जी अंदर से कि कैसा है श्राइन। देखें जी इन्होंने लाइन बनाई हुई है, औरतें यहाँ से जा रही हैं। अच्छा, मर्दों में इतना रश नहीं है, औरतों में ज़्यादा रश है। अच्छा, मेन एंट्रेंस जो है वो ये है मज़ार के अंदर जाने की और यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। बहरहाल देखते हैं कि जी अब कैसे हमारी एंट्री अंदर होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है औरतों का। ये जो है अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से अब हम अंदर जा रहे हैं इनसाइड। ये देखें जी, ये जो है औरतों के लिए और जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए एक अलग से लाइन बनी हुई है। तो वो लोग जो है वो यहाँ से इस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ से वो जाएंगे। छतों का आप जो है ना इनकी व्यू देखें कि ज़बरदस्त इन्होंने छतें बनाई हुई हैं और मेरे ख़्याल से तो ये कैमरा जो है आपको सही व्यू नहीं दिखा सकता है जब तक आप यहाँ आके ख़ुद विज़िट ना करें। तो क्योंकि शीशा है और मेरे ख़्याल से इसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, तो उसकी वजह से ये मेरा ख़्याल ये है कि मोबाइल उस तरीके से नहीं दिखा सकता जो आदमी अपनी ख़ुद अपनी आंखों से देख सकता है। तो इसके लिए आपको वेस्ट ट्रैवल एंड टूर के साथ जो है ईरान आना पड़ेगा ताकि आप जो है वो ईरान की जगहों को देख सकें। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को सही तरीके से दिखा सकूं। अच्छा, वो जो हम ऊपर से गए थे वो मज़ार का ऊपर से भी उसमें नज़र आ रहा था, मतलब ऊपर से था, और ये नीचे से भी जो है इन्होंने बनाया हुआ है देखने के लिए। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं क्या व्यू है, क्योंकि ऊपर तो बहुत रश था लेकिन यहाँ नीचे जो है वो इतना रश नहीं है।
तो जस्ट लेट्स सी लिटिल बिट एंड अच्छा कुछ है तो नहीं है अंदर, अब कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है सही तरीके से, तो बस ये एक अंदर कमरा बना हुआ है और अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो है कुछ कुछ मोबाइल में नज़र आ रहा है बहरहाल चले। तो ये बेसमेंट का एरिया है और यहाँ लोग मतलब आते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, ठहरते हैं। दारुल हज्जत इसका इन्होंने नाम रखा हुआ है। ये लोग जो है यहाँ पे तबर्रुक ले रहे हैं दरवाज़ों पे और दरवाजे को वो कर रहे हैं जैसे तबर्रुक ले रहे हों। और ये छत देखें भाई कैसे बनी हुई है, माशाल्लाह शीशे ही शीशे हैं छतों पे। सर ये अब हम जो है मेन मज़ार के पास जो है वो पहुंच गए हैं और किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे रश लगा हुआ है और अंदर जाना तो मतलब बिल्कुल करीब तो थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं अंदर। और ये है जी मेन मज़ार। अच्छा उन्होंने औरतों के लिए अलग भी बनाई हुई है जगह, वो जगह औरतों के लिए, वहाँ से सिर्फ लेडीज़ आ रही हैं और इस तरफ जो है वो आदमी आ रहे हैं। अच्छा चलें अंदर से थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं अंदर। अच्छा जो मज़दूर औरतें हैं मेरे ख़्याल से वो यहाँ से आके जो है वो तबर्रुक ले रही हैं। ये उन्होंने लेडीज़ के लिए बनाई हुई है जगह और वैसे आदमियों के लिए नॉर्मली जगह वो है। और अब यहाँ से मेरे ख़्याल से एग्ज़िट है, हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं अब। अच्छा ये जो है इनके आलिमों यहाँ बैठे होते हैं और ये जो है इनके जो सवालात वगैरह किसी को करने होते हैं तो उसके जवाबात के लिए यहाँ पे आते हैं। ये इस तरीके से है तो ये लोगों के सवालात के जवाबात दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा इन्होंने औरतों की जगहें अलग बनाई हुई हैं और आदमियों के लिए जगहें जो है वो अलग हैं, पार्टीशन किए हुए हैं। अच्छा ये बेसमेंट है, बेसमेंट में यहाँ ये बनी हुई है, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, म्यूज़ियम भी है तो हम कुछ म्यूज़ियम्स भी देखते हैं, कुछ पार्ट ऑफ म्यूज़ियम।